वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 14.3। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। टेबल में हमें दिया गया है 30 स्टूडेंट्स का वेट, हमें निकालना है इसका मीडियन वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले मीडियन में हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहला वैल्यू जो है ये ऐसे ही वापस लिखेंगे, पहला क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है इसको ऐड करना है सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ, 2 + 3 = 5, 5 को ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, 5 + 8 = 13, 13 को ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, यह आएगा 19, 19 को ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, यह आएगा 25, 25 को ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, यह आएगा 28, 28 को करना है ऐड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, यह आएगा 30। और लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आना चाहिए एग्जैक्ट जो एन का वैल्यू यहाँ पे है, मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। इसको हम या तो समेशन ऑफ एफ आई से दिखाते हैं या एन से दिखाएंगे। अब मीडियन में पहला स्टेप मैंने क्या कहा है आपको, मीडियन में पहला ही स्टेप हमें निकालना होता है मीडियन क्लास। लेकिन मीडियन क्लास निकालने के लिए हम एन का यूज करते हैं, एन इज इक्वल टू एन यहाँ पे क्या है 30 है। हम क्या करेंगे, इसी एन को निकालेंगे n/2, हाफ निकालेंगे इसका, दैट इज 30/2। तो n/2 का वैल्यू क्या आया, 15 जो है हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कौन सा वैल्यू 15 से ज्यादा है। एक ही वैल्यू चेक करना और नियरेस्ट होना चाहिए वो। 15 से 19 भी ज्यादा है, 25 भी ज्यादा है, 28 भी ज्यादा है, 30 भी ज्यादा है, बट वो सबसे नियरेस्ट होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, वो कौन सा है, वो 19 है। और इसी का जो क्लास होगा, इसी वैल्यू का जो क्लास होगा, डैट क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। तो ये हमने चेक किया, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास आएगा दैट इज मीडियन क्लास, विच एम्प्लाय मीडियन क्लास क्या आएगा, मीडियन क्लास आएगा 55 to 60। और मीडियन क्लास का ही लोअर लिमिट जो होता है दैट इज वैल्यू ऑफ एल, वो यहां पे क्या आएगा 55। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, मैं फॉर्मूला यहां पहले लिखूंगा। फॉर्मूला है मीडियन निकालने की फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अब एल का वैल्यू तो हमने निकाला, वैल्यू ऑफ एल हमें आया 55, n/2 का भी वैल्यू हमने निकाला। अब हमें देखना है सी एफ क्या होता है। सी एफ होता है जो हमने मीडियन क्लास यहां पे सिलेक्ट किया उसके पहले वाला क्लास जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मींस ये वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ। तो सी एफ का वैल्यू यहां पे क्या है, 13 है। और एफ का वैल्यू जो यहां फॉर्मूला में एफ नीचे है, ये एफ क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो एफ का वैल्यू क्या है यहां पे, 6। और एच का वैल्यू है क्लास साइज, क्लास साइजेस अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 60 - 55, तो वो आएगा 5। ये सारे वैल्यूज जो है ये हम फॉर्मूला में सबस्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला में पहला ही वैल्यू जो है वो एल का है, एल हमने वैल्यू निकाला है, एल इज 55 प्लस n/2 वो हमने 15 निकाला है, माइनस सी एफ इज 13 डिवाइड बाई एफ इज 6 × 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, मीडियन इज इक्वल टू 55 + 15 - 13, 2 / 6 × 5, 2 1 2 3। ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 55 + 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो गया 16 + 5/3, 165 + 5 = 170 / 3।
डिवाइड करेंगे इसको, 170 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये आता है 56.67 इसका मीडियन वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।